बाल कृष्ण कुंद्रा और उषा रानी, जी हाँ, राज के माता पिता एक अच्छी जिंदगी की तलाश में लंदन पहुंचे। ना उनके पास डिग्री थी ना ही पैसा। शुरुआत में उन्होंने फैक्ट्री में मजदूरी की। इसके बाद उनके पिता को बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। उनकी माता उषा चश्मे की दुकान पर काम करने लगी। फिर आया साल 1993। राज की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी थी। राज के सामने अपने पिता के रेस्टोरेंट बिजनेस को ज्वाइन करने का विकल्प था, लेकिन राज ने कुछ नया और बड़ा करने का फैसला किया। वो हीरो का बिजनेस करना चाहते थे। अपने पिता से 2000 यूरो लेकर वो दुबई पहुंचे। दुबई में हीरो के व्यापारियों से मिले, लेकिन सौदा तय नहीं हो सका। इसी दौरान वो किसी काम से नेपाल पहुंचे। वहां उन्होंने पश्मीना शॉल देखा। नेपाल में उनकी कीमत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन राज को इस बात का आइडिया था कि इंग्लैंड में इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं। 100 पश्मीना शॉल को पहली खेप लेकर राज इंग्लैंड आ गया। वहां उन्होंने कपड़ों के बड़े बड़े ब्रांड से संपर्क किया। उन्हें राज का माल पसंद आया। देखते ही देखते पश्मीना लंदन में फैशन ट्रेंड बन गया। राज ने पश्मीना शॉल की जमकर सप्लाई की और इससे उन्हें 20 मिलियन यूरो का मुनाफा कमाया। आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 177 करोड़ रुपए। धीरे धीरे शॉल के बिजनेस में उनके कॉम्पिटिटर्स बढ़ने लगे। नकली माल भी आने लगे, जिससे बिजनेस मंद पड़ गया। राज ने अपने पिता की तरह ही शॉल का बिजनेस छोड़ दिया। दुबई से हीरो का कारोबार करने लगे। 2004 में सक्सेस मैगजीन ने राज कुंद्रा को ब्रिटेन के सबसे अमीर एशियाई मूल के लोगों की सूची में 198 नंबर पर रखा था। उस वक्त राज की उम्र सिर्फ 29 साल थी। वो इस सूची में सबसे युवा थे। भारत में जैसे बिग बॉस फेमस है, उसी का इंग्लिश वर्जन बिग ब्रदर यूके में फेमस है। 2007 में शिल्पा शेट्टी ने बिग ब्रदर में शिरकत ली और जीता भी। वो इंग्लैंड के घर घर में जाने जाने वाला चेहरा बन चुकी थी। उन्हें यूके में कई फिल्में भी ऑफर हुई, लेकिन शिल्पा के मैनेजर और राज कुंद्रा दोस्त थे। जब उसके मैनेजर ने राज कुंद्रा से सलाह ली तो राज कुंद्रा ने बताया, जब तक फिल्म रिलीज होगी शिल्पा की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। मौजूदा पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए शिल्पा के नाम का परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना चाहिए। राज ही एक परफ्यूम ब्रांड का बिजनेस प्रपोजल लेकर शिल्पा की मां से मिले। हालांकि उनकी मां ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास पहले से ही कुछ ऑफर्स हैं। इसके बाद राज ने ऑफर की रकम दोगुनी कर दी। बाद में एक इंटरव्यू में राज ने बताया कि उन्हें पता था कि डील घाटे की है, लेकिन वो शिल्पा के साथ किसी भी तरह वक्त बिताना चाहते थे। कुछ महीने बाद राज ने शिल्पा को 3 करोड़ रुपए की रिंग देकर प्रपोज किया। शिल्पा इंडिया नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए राज इंडिया शिफ्ट हुए और उन्होंने शादी से पहले ही अमिताभ के घर के सामने उन्हें घर खरीद कर दिया। 22 नवंबर 2009 को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शादी कर ली। वो उस समय की सबसे चर्चित शादी थी और न्यूज़ चैनलों ने इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया था।